हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओ माय गॉड, बहुत दिन हो गया आप लोग से बात नहीं की। आज है सैटरडे, मैंने सोचा एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी मिल लेती हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि आप लोग मुझे मिस कर रहे हो कि नहीं। मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए कि मेरे वीडियो लोग मिस कर रहे हैं। सो आई एम ग्लैड कि मैं हूँ अभी ट्रेंड में। और हमारा आरो देखो, उसका आरो उसका रहता है ये नाउ गुड जॉब। और हेलो नैमिष, सीम्स लाइक यू आर फ्रेश इन मॉर्निंग। सुबह सुबह है, अभी 8:30 बजे है और ये अच्छी सी धूप में बैठा हुआ है। ये बाय द वे नैमिष का फेवरेट प्लेस है। यहाँ से ये व्यू देखते रहते हैं और धूप भी अपनी ले लेते हैं डेली डोज अपना। इसमें देख रहा था क्या लोग कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं। लोग वैसे कुछ करते नहीं है यहाँ पे। सी, लोग तो है भी नहीं। नैमिष, क्या तुम लोग किसको ताड़ रहे हो? हाँ, बस ऐसे ही जो भी है उसको डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे जनरली कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा टाउन, जिसमें मैं सोच रही हूँ कि नैमिष को आज लेके जाऊं मैं ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी, ओह ऐसा क्या? और लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम खुद जाओ ग्रोसरी स्टोर। काइंड ऑफ पता नहीं, आजकल मुझे है ना ये ग्रोसरी और स्टोर में जाने का इतना मुझे कंटाला आता है। मैं बहुत बोर होती हूँ। मैं ऐसा प्रीफर करती हूँ, इवन मैं ग्रोसरी भी आजकल ऐसे प्रीफर करती हूँ कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ, जस्ट पिक करके आ जाऊँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे स्टोर में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, कंटाला आ रहा है। मुझे पहले क्या होता था, मैं जब नई नई यूएस में आई ना, No, कंतारा is not हिंदी वर्ड। कंटाला इज हिंदी वर्ड, तो No, क्या होगा हिंदी में? मुझे बोरिंग लग रहा है, बोरिंग इज इंग्लिश वर्ड। मुझे आलस है, वो आलसी हो गई हूँ क्या मैं। बोल ऐसा सकते हैं कंटाले को इंग्लिश में, हिंदी में? मैं आलसी हो गई हूँ ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं कुछ बोल रही थी एक्चुअली। हाँ, मैं ये बोल रही थी, मैं जब नई नई यूएस में आई ना, तो मुझे ये सब जगह जाना बहुत ही एक्साइटिंग लगता था। और मुझे गाड़ी भी आती नहीं थी, कार चलानी। और ये जनाब हमारे मेरे जैसे ही है, उसको भी कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो तो मुझे लेके ही नहीं जाते थे। सिर्फ वीकेंड आया, ग्रोसरी हुई, चलो ग्रोसरी करने जाते। वो भी दौड़ दौड़ के ग्रोसरी होती थी हमारी ये जनाब के साथ। कभी आराम से तो होती नहीं है ग्रोसरी, या भी कोई भी शॉपिंग इसके साथ आराम से नहीं होती है, बस भागो 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 ही। शॉपिंग करने में क्या टाइम वेस्ट करना। और आजकल मुझे गाड़ी भी आ गई, कार अच्छे से मैं चला भी लेती हूँ। मुझे जहां भी जाना हो तो मैं जल्दी भी जाती हूँ, पर वही कंटाला आता है। कंटाला, कंटाला इट्स आल में आलसी हो गई। आलस आती है मुझे जाने में। हाँ, ये सही वर्ड है, आलस। सो ये है सिचुएशन हमारी। वाह, आरुष के एक नन्हे सी फ्रेंड है हीर करके, उसने आरुष आरुष के वीडियो बहुत ही मिस कर रही थी, क्योंकि मैं डेली पोस्ट करती थी। और आजकल मैंने सोचा कि हम वीकेंड्स में या फिर कोई स्पेशल व्लॉग शूट करेंगे, अदरवाइज और वीडियो डालेंगे। तो वो बच्ची ने अपने पापा के थ्रू मैसेज करवाया इंस्टाग्राम में कि आरुष के वीडियो क्यों नहीं आते हैं डेली डेली, है ना आलू? सी, हीर को, आरु हीर को थैंक यू बोलो। दिको, हाउ डू यू से थैंक यू? हाउ डू यू से थैंक यू? गुड, ओके, हाउ डू यू से थैंक यू? गुड, ओ अभी फिलहाल वो इसमें बिजी है। गोट, हाँ गोट गोट। गुड, अब थैंक यू बोलो। आरिश, हाउ डू यू से थैंक यू? जी अभी नहीं, पर हम उसे थैंक यू बुलवाएंगे, ठीक है? क्योंकि वो बच्ची भाई कल मैसेज आया और मैं सही में मैं बहुत ही ऐसे वो हो गई कि यार देखो लोग, मुझे लग रहा है कि यार, मुझे लगता था कि कोई कुछ देख भी नहीं रहा है हमारे वीडियो, और आई डोंट नो, मैं ऐसे फालतू के वीडियो बना रही हूँ, पर नहीं, लोग देखते हैं और आई थिंक लोगों को जेन्युइनली इंटरेस्ट आता है हमारे वीडियो में। और अगर मेरे नहीं तो कोई नहीं, पर हमारे ये छोटू मियाँ में लोग को इंटरेस्ट आता है। सो व्लॉग हम वीकेंड्स में तो आएंगे, और वीकडेज में भी अच्छे अच्छे होंगे, तो हम डेफिनेटली पोस्ट करेंगे। और अब आप लोग को अपडेट करेंगे हम लोग कहाँ पे क्या जी रहे, कैसे लाइफ जी रहे। कैसा है हमारा जीवन? हाँ और फिलहाल मैं जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगी ना, वो मेरी दूसरी चैनल है मिनल विराडिया करके, यूट्यूब में आप सर्च करोगे मिनल विराडिया, वहाँ पे मेरी सुंदर सी फोटो दिख जाएगी। तो वहाँ पे मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। अभी फिलहाल अपलोड किया नहीं है, पर मे बी कल या परसों वो वीडियो अप हो जाएगा वो चैनल में। और ये वीडियो, ये चैनल पे हम सिर्फ ब्लॉगिंग ही करेंगे, जहाँ पे आप लोग को अच्छा लगता है हम सबको देखना।
अभी बजे 1:15 और हम लोग ने खा लिया हमारा लंच, ब्रंच था एक्चुअली, हम लोग ने खाए पोहे एंड चाय क्योंकि आज छुट्टी है नैमिष की तो चाय तो बनती है। और हमारे आरो ने भी पोहा खाया। से हाय हाय बोलो गुंडू, उसका टीवी चल रहा है इसलिए किसी को भी आंसर नहीं कर। और आजकल हमारे आरो का फेवरेट है ये ब्लिपी, ये ब्लिपी करके एक है यूट्यूब में जो बहुत ही बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाता है। मिनल, और हमने वो बच्चों के लिए क्या न्यूज़ किया है जो हमारी चैनल देखते हैं, बताओ अपने सब्सक्राइबर्स को। यस, मेरे को, मैंने ये छोटे बच्चों का रिस्पॉन्स देखे, मुझे 2-3 बच्चों का ऐसे आरुष के लिए पर्सनली मैसेज आया इंस्टाग्राम में कि आप वीडियो बनाओ आरु को लेके और डेली वीडियो। तो मैं सोच रही हूँ कि ये गिव अवे कर दूँ जिसमें आरुष ये करता है, सॉरी, तो एक गिव अवे करूँ जिसमें, तो आप लोग को पता ही है कि हमारे आरुष को बुक्स पढ़ना कितना पसंद है। तो मैं ये सोच रही थी हमारे चैनल को लेके हम एक गिव अवे करते हैं जिसमें आपको आपको पार्टिसिपेट करना है। तो आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है तो, एंड उसके साथ साथ ही हमारे आज के वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। आप कुछ भी लिख सकते हो कमेंट में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। और नेक्स्ट वीक मैं ये अनाउंस करूँगी कि ये गिव अवे में कौन जीता है और जो भी जीतेगा उसको हम एक बुक गिफ्ट करेंगे। ये इजंट इंटरेस्टिंग। तो यस, ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये सब करना है, और साथ में आप ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि ज़्यादा बच्चे ये गिव अवे का फायदा उठा सके। और आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नो मैटर आप इंडिया से देख रहे हो या आप यूएसए, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी देख सकते हो, हम कहीं पे भी आपका गिव अवे पहुंचा देंगे अगर आप विन करते हो। तो सो पार्टिसिपेट कीजिए एंड अगले वीक के व्लॉग में इसका आंसर डिक्लेयर करेंगे। आना आना करते करते हम लोग आ गए ग्रोसरी करने, और आज का वेदर मैं आपको बताऊं तो खुशनुमा हो चुका है क्योंकि कल जाने वाला ये 80 में बहुत ही गर्म होने वाला ये, तो आज इतना भी ठंडा नहीं है, पर सुबह था एक्चुअली, सुबह बहुत ठंडा था, अभी धूप की वजह से कम लग रहा है। और ये हमारा शॉपिंग सेंटर, ये हमारे नैमिष जारू के लिए कार्ट रेडी कर रहे हैं। हेलो नैमिष। हेलो, हाउ यू डूइंग? नॉट डूइंग गुड। नहीं, ये बड़ी वाली कार्ट लेनी पड़ेगी, उसमें है नहीं, छोटी वाली में नहीं होता। ए गुंडू, ये देखो आरू हमारी स्टोर में खाना शुरू कर देता है और फेंकता भी है। आलू गुंडू, गुंडू राम। और मैं यहाँ पे कुछ सब्जी चूज कर रही थी जिसमें मैं ले रही हूँ ये स्वीट पेपर, ये जो तीखे नहीं होते हैं सलाद में, उन सब में अच्छे रहते हैं, खट्टे मीठे होते हैं ये। तो ये हो गया, इतना कुछ लिया है और आगे हमारा हंटिंग शुरू है। और अभी मैं लूँगी मिक्स भाजी, तो ये हो गया, ये वाला स्प्रिंग मिक्स है ऑर्गेनिक कुकुम्बर, कितना महंगा है देखो, कुकुम्बर $2.5 का एक कुकुम्बर है, तो हम लेंगे। और इस सेमी है दोनों वैसे, ये एक ले लेते हैं। ले लो बनाना, 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 आलू, बनाना, बी। बनाना खाओ, ये अच्छा है, स्टोर में पेट भर के जाता है। हाँ गुंडू, मुझे गुंडू बाबू, मैंने अर्ध करना आधा कर दे, वो है ना पूरा फेंक देगा वो। रात में अच्छा है, नहीं वो नहीं करने, वो आगे रख दे, वो नहीं करने देगा। ये देखो आधा बनाना खा गया गुंडू, मुझे लग रहा है भूखा है, हम लोग खिला के, हाँ दो रेंज तो खाया था उसने। हाँ, इतनी सारी ग्रेप्स खा गया, अभी बनाना खा जाएगा पूरा।
ये देखो, ये सारी पब्लिक देखो, सब हमारे जैसे ग्रोसरी के लिए आए, पता नहीं। और यहाँ पे देखो ये इंडियन पार्लर भी है। मुझे इंडियन लोग देखे मतलब ऐसी है। ये देखो ये लड़के के नाटक देखो, आँख बंद करके, बीच में देखना भी पड़ता है कि मैं सही जगह जा तो रहा हूँ ना। क्या हुआ? What? आउची आरु आउची आरु आउची आलो वाटर से हाय हेलो से हेलो हाउ आर यू। अभी देखना आरुष क्या बोलने की ट्राई करेगा, जो भी ये वर्ड आते वो ट्राई कर रहा है। बाय बाय इजी इजी जी वी वी। अभी वापस रिव्यू हो रहा है। जी वी वी गुड जॉब। एटलीस्ट हमारा बच्चा बोलने की ट्राई कर रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ। आगे बहुत सारे वर्ड्स आए ए टू जी और सब, पर वो ट्राई कर रहा है एटलीस्ट कि वो बोल रहा है। यो क्या बना रहा है? बना रहा है क्या? बन रहा है मेरा, तुमने वो लिंग ही चेंज कर दिया। आज बन रही है चोली की सब्जी। इसको ब्लैक आई बीन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी चोली बोलते होंगे, और ये बनेगा गुजराती स्टाइल में। कल जो बनाने वाले थे रात को, कल जो बनेगा वो अच्छा, कल क्या बनेगा Oh my God. आप लोगों को भी दिखाना पड़ेगा कल क्या बनेगा। कल के वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून रहिए। और ये था आज का हमारा सुपर सा दिन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।